बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट कैरी का अचार। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पैन गरम पे रखा हुआ है, इसमें मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल डाला है। ऑयल कोई आप कोई सा भी यूज़ कर लें। इसके अलावा हमें चाहिए रेड सूखी मिर्चें, आप इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोल वाली भी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, 8 से 10, वो इसमें डालेंगे। कड़ी पत्ता लिया हमने 7 से 8, वो इसमें डालेंगे। ज़ीरा लिया हमने 1/2 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा मेथी दाना है हमारे पास 10 से 12, हमने मेथी दाना लिया है, वो ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने अचार का भगार तैयार किया है, इसको हल्का सा पकाएंगे। भगार तैयार हो गया, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर हमने कैरियाँ ली है, 5 हमने दरमियानी साइज़ की कैरियाँ ली थी और इनको काट के रखा हुआ है। ये देखें, इस तरह के पीसीस में काट के रखा हुआ है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, ये 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें, अगर मोटी वाली है तो आप वो यूज़ कर लें, मैंने छोटी वाली यूज़ की है, वो डाल देंगे इसके अंदर। नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, भुना कुटा साबुत धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, काला नमक ये ऑप्शनल है, ये 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मसाले हैं, 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई मिर्ची जाएंगी इसमें, आप मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर जहाँ पे जाएगा, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून, सौंफ ली हमने 1 टीस्पून, कलौंजी ली हमने 1/2 टीस्पून, हल्दी ज़्यादा जाएगी 1 टीस्पून, ये सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये ऑप्शनल है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अगर है तो आप यूज़ कर लें, वरना नहीं, ज़रा इससे थोड़ा कलर जो है वो अच्छा आ जाता है। ये सब चीज़ इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये फौरन ही घर में बन जाता है। बस ये हमारा तैयार हो गया है, ये जो हमने अपना बघार बनाया था ये ठंडा हो गया। अब हम इसमें सारे मसाले जो हैं कैरी के साथ वो इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे, तो पहले अभी हम मिक्स कर रहे हैं इसको। आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक थोड़ा खुलता हुआ ही होना चाहिए। ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से मिर्ची और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि कैरी जो है वो गल नहीं जाती, इसको कवर कर देंगे। ये देखें, इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। राई डालना मैं इसमें रह गया था, मैं भूल गई थी, अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून राई ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कवर कर देंगे इसको, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें, इतना ज़बरदस्त किस्म का अचार हमारा रेडी हो गया झटपट। आप इसको अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो। ये देखें, बस अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं, ये अच्छे से गल गया है, ये देखें एकदम बहुत अच्छा गल गया। ये देखिए, हमने अचार को निकाल लिया, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का खट्टा सा अचार तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।